हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही, अब समर स्लैम का पेपर भी धीरे धीरे करीब आते जा रहा है, यानी कि अब रॉ एंड स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें कई सारी बड़ी एंड शॉकिंग थिंग्स देखने को मिलने वाली है। और WWE ने तो अभी से ही इस वीक के रॉ के लिए कई सारी बड़ी थिंग्स ऑफिशियल कर दी, जिसमें से दो चैंपियनशिप मैच भी शामिल है। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। एंड साथ ही साथ मैं ये भी बात करने वाला हूँ कि आखिरकार रोमन रेंस की किसने कर दिए तारीफ। तो गाइस, इन सब अपडेट्स हम सबसे पहले रोमन रेंस से जुड़ी अपडेट के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो रोमन रेंस की जिसने तारीफ की है वो कोई और नहीं, वो है आर्न एंडरसन। तो आप सब जानते ही है, अभी वो AEW के साथ जुड़े हुए। एंड कुछ दिनों पहले उन्होंने सेथ रॉलिंस की भी तारीफ की थी, जो कि मैंने आप सबको बताया था। बट अब उन्होंने द बिग डॉग रोमन रेंस से रिलेटेड भी कई सारी बड़ी थिंग कही। तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जब मैंने रोमन रेंस को सबसे पहले देखा था, तभी मेरे हेड में बस एक ही चीज आई कि ये गाय एक स्टार है, ये बोलता स्टार की तरह है, ये लगता स्टार की तरह है, ये अपने आप को कैरी करता स्टार की तरह, एंड ये बंदा काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि जब मैंने रोमन रेंस को पहली बार देखा था, देन मैंने ये थिंग बोली थी कि ये बंदा की आगे चलकर काफी ज्यादा चर्चे होने वाली है, एंड ये मुझे एक मूवी स्टार की तरह भी लगता था। इसलिए कह सकते हैं कि आर्न एंडरसन ने ये काफी पहले ही पहचान लिया था कि रोमन रेंस आगे चलकर एक बड़े स्टार बनने वाले हैं। एंड हम सब यही होप करते हैं जल्द से जल्द ये वायरस वाले थिंग खत्म हो जाए एंड रोमन रेंस हमें अपना रिटर्न करते हुए दिखे WWE में, क्योंकि WWE को अभी रोमन रेंस की काफी ज्यादा जरूरत है एंड फैंस भी उनके रिटर्न के लिए काफी ज्यादा वेट कर रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं अपनी रॉ से जुड़ी अपडेट की तरफ। तो सबसे पहला मैच जिसे WWE ने ऑफिशियल कर दिया है वो है WWE चैंपियनशिप का मैच, ड्रू मैकएंटायर वर्सेस डॉल्फ ज़िगलर के बीच एक रीमैच। तो जैसा कि एक्सट्रीम रूल्स के पेपरव्यू पर डॉल्फ ज़िगलर ने अपने हिसाब से स्टिपुलेशन चुनी थी, तो इस वीक के रॉ में अपोजिट होने वाला है, क्योंकि यहां पर ड्रू मैकएंटायर चुनने वाले स्टिपुलेशन। वहीं बात की जाए कि आखिरकार इस मैच में स्टिपुलेशन क्या कुछ हो सकती है, तो उससे रिलेटेड अभी कुछ भी अपडेट निकल कर नहीं आई है। बट जैसा कि मैंने आप सबको बोला था कि WWE ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर पोल क्रिएट कर हम फैंस से पूछा था, तो अगर WWE फैंस के वोट के अकॉर्डिंग मैच करवाती है, देन हमें रॉ में आई क्विट मैच देखने को मिल सकता है। इसलिए लेट्स सी ड्रू मैकएंटायर आखिरकार अपने मैच में कौन सी स्टिपुलेशन चुनते हैं इस वीक के रॉ में। इसके अलावा जो WWE ने नेक्स्ट मैच ऑफिशियल कर दिया है वो है रॉ में चैंपियनशिप का रीमैच आस्का वर्सेस साशा बैंक्स के बीच। तो जैसा कि एक्सट्रीम रूल्स के पेपरव्यू में इस मैच का काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रिजल्ट निकला था, जब बेली ने रेफरी बनकर मैच जिता दिया था साशा बैंक्स को। बट हां, इस वीक के रॉ में फाइनली हमें इस मैच का रिजल्ट निकलते हुए दिखने वाला है, क्योंकि यहां पर जरूरी नहीं है कि हर चैंपियनशिप मैचेस की तरह ये चैंपियनशिप मैच में भी सुपरस्टार पिनफॉल या सबमिशन के जरिए अपनी मैच को जीते। यहां पर काउंट आउट, डिस्क्वालिफिकेशन या फिर हमें किसी की इंटरफेरेंस भी देखने को मिलती है, तब भी यहां पर टाइटल चेंज होगा। यानी कि हां, इस वीक के रॉ में हमें जरूर से अपना रॉ में चैंपियन देखने को मिलने वाला है एंड ज्यादा चांसेस आस्का के ही है, क्योंकि यहां पर हमें बेली कुछ गड़बड़ करते हुए दिख सकती है। इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट मैच के बारे में जिसे WWE ने ऑफिशियल कर दिया, तो वो है एक रॉ टैग टीम चैंपियनशिप का नंबर वन कंटेंडर मैच, जो कि होने वाला है एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच, सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड रिकोसे वर्सेस वाइकिंग रेडर्स वर्सेस एंजल गार्जा एंड अंड्राडे के बीच। यानी कि इस मैच में जिस भी टीम की जीत होगी उन्हें मिलने वाली है समर स्लैम के पेपरव्यू में रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी स्ट्रीट प्रॉफिट्स के अगेंस्ट। इसलिए देखते हैं कि आखिरकार यहां पर जीत किसकी होती है। इसके अलावा अपने नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग के बारे में बात करने से पहले बात कर लेते हैं अपने मंडे नाइट मसाया सेथ रॉलिंस के बारे में। तो लास्ट वीक के रॉ में उन्होंने को हराया भी एंड मैच खत्म होने के बाद उन पर काफी बुरी तरह से अटैक भी किया। बट हाँ, हो सकता है इस वीक के रॉ में उन पर हमें अटैक होता हुआ दिखे। अब रे मिस्ट्रियो तो देखने को नहीं मिलने वाले, बट हाँ, केविन ओवंस एंड एलिस्टर ब्लैक मिलकर हमें अटैक करते हुए दिख सकते हैं सेथ रॉलिंस एंड बडी मर्फी पर, या फिर क्या पता जब तक रे मिस्ट्रियो नहीं आ जाते तब तक WWE सेथ रॉलिंस को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुक करे। इसके अलावा बात कर ली जाए अपने नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग के बारे में जिसे WWE ने ऑफिशियल कर दिया, तो वो है दी वाइपर रैंडी ऑर्टन से रिलेटेड। तो रैंडी ऑर्टन हमें इस वीक के रॉ की शुरुआत करते हुए दिखे गए, जहां पर वो रिवील करेंगे कि उनका नेक्स्ट टारगेट कौन है। अब जैसा कि वो एज, क्रिश्चियन एंड बिक्सो जैसे लेजेंड्स को डिस्ट्रॉय करते हुए आ रहे हैं एंड वो फिर से बन चुके हैं अब लेजेंड किलर, तो वहीं बात कर ली जाए कि उनका नेक्स्ट टारगेट कौन होने वाला है, तो इसके अच्छे खासे चांसेस है। वो कोई और नहीं, वो होने वाले WWE चैंपियन स्कॉटी साइकोपैथ ड्रू मैकएंटायर। और हो सकता है वो यहां पर किसी और का नाम रिवील कर दे या फिर ड्रू मैकएंटायर का ही करे, एंड जब ड्रू मैकएंटायर वर्सेस डॉल्फ ज़िगलर का मैच खत्म हो जाए, देन वो आकर ड्रू मैकएंटायर को एक आरकियो या फिर एक पंट किक लगा दे एंड उसके बाद इन दोनों की फ्यूड शुरू हो जाएगी एंड समर स्लैम के पेपर व्यू में हमें इन दोनों के बीच WWE चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस, आप सब मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि आप इस वीक के रॉ में किस मैच के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है एंड आप आर्न एंडरसन की बातों से एग्री करते हो या फिर नहीं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।